छापेमारी में बिजली चोरी के काफी मामले सामने आए हैं और 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली की गई है। इसकी जानकारी देते हुए हरियाणा के विद्युत मंत्री रणजीत चौटाला ने बताया कि इस समय लाइन लॉसेस 13.46% है। उन्होंने बताया कि हरियाणा को इस समय एनटीपीसी पानीपत थर्मल पावर प्लांट, यमुनानगर थर्मल पावर प्लांट, खेदर थर्मल पावर प्लांट और हाइडर प्रोजेक्ट से 6800 MW बिजली मिल रही है और प्रदेश में 1% से भी कम कट लग रहे हैं। बिजली विभाग की आर्थिक स्थिति क्या है और ऊर्जा मंत्री रणजीत चौटाला के घर पर करंट लगने से हुई कर्मचारी की मौत के लिए क्या सरकार उनके परिजनों की कोई सहायता करेगी, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा के विद्युत मंत्री रणजीत चौटाला से। आप भी देखिए हरियाणा को कहाँ कहाँ से कितनी बिजली उपलब्ध हो रही है और कितनी हरियाणा को जरूरत है। इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रणजीत चौटाला, इनसे जानते हैं कि क्या सिचुएशन है हरियाणा में पावर की। थी अभी इन दिनों में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ करती, प्रॉब्लम आती है जब बरसात होने ना, जब ट्यूबवेल चल पड़ते हैं, हम खेतों में पानी भर के रखते हैं, तब हमारी 26 करोड़ यूनिट तक कंजप्शन हो जाती है। अभी तो हमारी 14.68 कल की लास्ट थी और उसमें हमारा जो कट लगे हैं वो 1%, मतलब 1% से भी कम, आप ये समझे 0.80। और कहीं भी पावर का कोई हमें वो इशू नहीं। हमारे तीनों यूनिट पानीपत के चल रहे हैं जो 710 MW है, हमारे दोनों यूनिट वहाँ के चल रहे हैं यमुनानगर के जो हमारे 600 MW है, एक यूनिट हमारे दो में से वहाँ चल रहा है खेदर का जिसमें 600 MW है। इसके अलावा हम पे हाइडल पावर है और इसके अलावा कुछ हमें NTPC से मिल रही है, तो हमें मिल के अभी इस वक्त हमारे हाथ में 6800 MW है। तो अब मैंने आपसे बताया ना 14.68 करोड़ यूनिट जो है वो एक दिन की कंजम्पशन है, जिस पे हमारा जो कट लगा है वो 13.84 कुछ है, मतलब उसका 90% 0.90 भी नहीं है, 1% भी नहीं है, उससे भी कम है। ये एक पैरामीटर है। नंबर दो, 15 जून के बाद आपका केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका और उसके बाद उड़ीसा, बंगाल, यहाँ बारिश हो जाती है। ये सारा पहले मानसून हमसे जल्दी आती है, यहाँ जब मानसून चलती है तो फिर रेट गिर जाते हैं, वहाँ फिर बरसात बहुत हो जाती है तो बिजली फिर कोई नहीं पूछता, फिर हमें 4 रुपये 5 रुपये यूनिट बाज़ार के अंदर सब पार्टीज भाग के बेचती हैं, वो हमारी खपत होती है। जब 26 करोड़ लास्ट हमारी 26 करोड़ मैक्सिमम थी तब हमें बिजली बड़ी सस्ती मिल जाती है, तो वो इश्यू नहीं रहेगा। चौटाला साहब, आपने बिजली चोरी को लेकर भी कार्रवाई की है, तो कितनी बिजली चोरी के मामले पकड़े गए हैं और कितना राजस्व प्राप्त हुआ है? हमने 4 बार साइमल्टेनियसली रेड करे, उसमें हर बार काफ़ी चोरी पकड़ी गई, पैसा भी हमारा मतलब 100 करोड़ से ऊपर रिकवरी हुई। और उसका एक फ़ायदा हुआ कि हमारा लाइन लॉस जो था ना जी, मैं समझ रहा 14 हो जाए तो बहुत बढ़िया, हमारे CM साहब भी कहते थे 14 कर दो तो बहुत बढ़िया है, हमारा 13.69 कुछ आया, 13.46, मतलब हमारा 13.5 से भी कम लाइन लॉस हो गया, जो बहुत अचंभे वाली बात है। मेरे ख्याल में गुजरात और कर्नाटक दो स्टेट हो सकते हैं या कोई एक तीसरी हो जाए, बाकी पूरे देश में हमारा सबसे हम ठीक पायदान पे आ रहे हैं। चौटाला साहब, इस समय अगर जो पावर प्लांट हरियाणा में लगे हुए हैं उनकी वित्तीय स्थिति क्या है और जो बिजली विभाग के पास कितना इस समय राजस्व इकट्ठा हुआ है, कहीं कर्जे में तो नहीं है? कोई कर्जे में नहीं है। देखिए होता ये है कि हमारे थर्मल में हमें जो पावर मिलती है वो 3.40-3.45 रुपये मिलती है, जब हम 12 का देखें तो कोई घाटा नहीं होता। देखिए हम 2000 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, हमारा रेवेन्यू जो है वो 3000 करोड़ रुपए के आसपास बढ़ रहा है, तो उसमें हमें अगर लोगों को देना हो 200 करोड़ रुपया देना भी हो, हमें कम भी करना पड़े तो वो इशू नहीं होता, पर हमारे लोगों को हमें बचाना ज़रूरी होता है बिजली से। इन दिनों में 12 रुपये यूनिट बाज़ार में मिल रही है, हम ख़रीद रहे हैं, तो वो कोई उसका घाटे का नहीं है। हमारे थर्मल बहुत बढ़िया चल रहे हैं, सब पे हम पे स्टॉक है, बराबर हम पे 7-8 रैक रोज़ आ रहे हैं कोयले का, तो हमारे कोई वो इशू नहीं है। चौटाला साहब, एक कर्मचारी की यहाँ बिजली के करंट लगने से डेथ हुई है, उसके लिए सरकार ने उनके परिवार वालों के लिए कोई सहायता की हो या उसके किसी परिजन को नौकरी दी हो? बहुत दुखद घटना है, जब भी कोई किसी की डेथ हो तो अच्छा नहीं होता,
मैं सालासर गया हुआ था, आज सुबह मॉर्निंग आया हूँ, दो दिन पहले की घटना है। मेरे यहाँ पीछे सर्वेंट क्वार्टर में कहीं कूलर में कोई गड़बड़ थी तो ठीक करने आया था, वो लोकल यहाँ आउटसोर्सिस पे उनके ठेकेदारों के रखे होते हैं, वो काम PWD B&R का है, पावर डिपार्टमेंट वाले नहीं थे, मेंटेनेंस वो करते हैं। उनका कोई कर्मचारी था, उसका बेचारे का बहुत अफसोस हुआ कि उसकी करंट लगने से डेथ हो गई थी रास्ते में हॉस्पिटल में। उसके बाद अब उससे PWD B&R टिकअप कर रहे हैं, हमारा पावर का इशू नहीं है, अब उसमें क्या सेटल आउट होता है, आपस में बैठ के बातचीत हो रही है, मेरे ख्याल में निबट जाएगा, कोई नहीं। ऐसी घटनाएं जब भी कहीं होती है, हमारे पावर डिपार्टमेंट तो हम तो 5 लाख रुपया देते हैं, अब क्योंकि ये मामला PWD B&R का है, वो क्या करेंगे, उनके अपने पैरामीटर्स हैं। चौटाला साहब, जिस तरह भी आपने बताया कि कर्मचारियों के लिए आप करते हो, और ये जो कर्मचारी था आउटसोर्स पर था, क्या मानवीय आधार पर कोई ना कोई सहायता की जाएगी सरकार की तरफ से? मैंने बताया ना, PWD B&R का है, वो करने है, हमारा पावर डिपार्टमेंट का इशू नहीं है। ये बात ठीक है कि बिजली का काम करने वो आया था, पर ये उनका महकमा कर रहा है, वो डील कर रहे हैं, हम इसमें बीच में नहीं है। ये थे मेरे साथ ऊर्जा मंत्री रंजीत चौटाला, इन्होंने बताया कि प्रदेश में इस समय बिजली की क्या स्थिति है और कहाँ से कितनी बिजली हरियाणा को मिल रही है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।